प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मांगने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मुख्यमंत्री भूपेश का देखें। रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है, कांग्रेस से आज ही भय व्याप्त हो गया है। जिस प्रकार से दावेदारों की भीड़ दिख रही है उसमें आज से ही राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को हित में रखते हुए न केवल बड़े फैसले लेते हैं बल्कि हर बार हर साल किसानों को नई सौगात देने का काम करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा धान, मिलेट्स और अन्य कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो काम किया है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, देशवासियों की ओर से मोदी जी के इस निर्णय के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और जो वृद्धि हुई है वो आज धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपया हो गया है, 2183 रुपया। और आप देखेंगे बढ़ते हुए हर वर्ष कैसे समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। 14 और 15 में जो धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपया था, 14 और 15 की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार बनने के बाद 1360 1360 रुपया था, अभी बढ़ के 2183 रुपया हो चुका है। इसी के साथ साथ उड़द दाल के MSP में 350 रुपया बढ़ा के 6950 रुपया प्रति क्विंटल, मक्के के MSP में 128 रुपया की वृद्धि, मूंग में सर्वाधिक MSP 803 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, मूंग का MSP 8558 रुपया हो गया है। निश्चित रूप से किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और मैं एक दूसरे आंकड़े भी बता दूं, जिससे छत्तीसगढ़ में जो MSP बढ़ा है और केंद्र सरकार पूरे के पूरे यहाँ के चावल को अपने केंद्र के उपयोग के लिए लेती है, प्रति वर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ रुपया यानी 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो केंद्र से प्राप्त होगा। राज्य सरकार से भूपेश जी की सरकार को केवल 3,300 रुपया प्राप्त होगा, यानी 23,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में दिया जाता है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें, और अभी जो मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, 14-15 में 1300 से बढ़ के 2183 रुपया हो गया, ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है। और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही, मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों के क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया, कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और ख़राब है। इसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दें मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जगह पे काम हुआ है, बाकी जगह कहीं भी कोई विकास के काम नहीं दिखते। इसलिए समीक्षा यदि करनी चाहिए शैलजा जी को तो मुख्यमंत्री के और विकास कामों की करनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं, कितना बजट दिया रामगमन पथ में, पूरे रामगमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय रामगमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। ये सारे खर्च जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा देती है उस पर हो रहा है।
चश्मा लगा दिया गया है। दमन की रणनीति और राजनीति चल रही है और निश्चित रूप से आंदोलन करने वाले पटवारी यदि लगातार बैठे हैं तो बुला के बात तो करना चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। बात और चर्चा ना करके आतंक और भय के वातावरण बनाना चाहते हैं कि वो डर के आ जाएं। एक संगठन यदि बैठा है तो अभी तक कोई शासन के सचिव स्तर का अधिकारी बात नहीं किया।